मॉर्निंग क्लास, आज बात करेंगे क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस की। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज कौन सी होती हैं जिनको अपन प्रोवाइड कराएंगे या अचीव करने की कोशिश करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। जैसे एज यूजुअल अपन जानते हैं कि बेसिकली तीन तरह की सर्विसेज होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जो अपन एज अ सर्विस देते हैं। ठीक है, या कोई भी वेंडर है या सर्विस प्रोवाइडर है वो बेसिकली तीन तरह की सर्विसेज को देगा। ठीक है, तो साथ में अगर वो तीन तरह की सर्विसेज को दे रहा है या ग्रोथ करना है बिजनेस में तो किस तरीके से करेंगे, तो वहाँ पे अपन साथ में अगर मैं सिक्योरिटी एज ए सर्विस अगर और देता हूँ तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है कंज्यूमर ज़्यादा सेटिस्फाइबल रहेगा या सेटिस्फैक्ट्री वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। बेसिकली जो क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस है वो फोर्थ टॉप यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस है वो बेसिकली सिक्योरिटी एज ए सर्विस नाम से भी जानी जाती है। तो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं या किस तरह की सर्विस है या कस्टमर को कहाँ पे अपन सर्विस दें या इस तरह के कहाँ पे डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो किस तरह की आइडेंटिटी दें या कैसे एक्सेस मैनेजमेंट दें। ठीक है, यानी कि मैं एक्सेसिबिलिटी दूं और आइडेंटिटी दूं, एक यूनिक आइडेंटिटी अगर मैं यूज़र को देता हूं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो थ्रेट्स है या जो भी सिक्योरिटी जहाँ पे ब्रेक करी जा रही है वो रुक सकती है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कोई प्रोसेस है या कोई गेस्ट मशीन है, अगर होस्ट मशीन है मेरे पास, ठीक है, अगर होस्ट मशीन की एक आईडी रहेगी, एक यूनिक की रहेगी, एक यूनिक आईडी रहेगी, गेस्ट मशीन अगर मैं बना पा रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कौन सी गेस्ट मशीन है। उसकी बात करी तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड कंट्रोल्स। ठीक है, यानी कि इसको एक कंट्रोल प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर एश्योर्ड आइडेंटिटीज़, है ना, या टू एश्योर आइडेंटिटीज़ एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अपन किस तरीके से दे रहे हैं। अनऑथराइज यूजर को मैं एक्सेसिबिलिटी ना दूं या सिस्टम को यूज़ करने के लिए मैं उसे परमिट ना करूं। आगे लिखा है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इंक्लूड्स। देखिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी यहाँ पे, वो हैं पीपल, प्रोसेस एंड सिस्टम दैट आर यूज टू मैनेज एक्सेस टू इंटरप्राइज रिसोर्स बाय एश्योरिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन एंटिटी इज वेरीफाइड एंड इज ग्रांटेड द करेक्ट लेवल ऑफ एक्सेस बेस्ड ऑन दिस एश्योर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिटी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हाँ ये एक ऑथेंटिक यूजर है और अपन इसको सर्विस दे रहे थे या ये सर्विस को अपन की ऑलरेडी ले चुका है या ले रहा है। ठीक है, उस पर टोटल कंट्रोलिंग करें, मॉनिटरिंग करें कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को अपन रिकॉर्ड करें। ठीक है, ऑडिट, आगे लिखा है ऑडिट लॉग्स ऑफ एक्टिविटीज सच एज सक्सेसफुल एंड फेल्ड ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस अटेम्प्ट शुड बी कैप्ट बाय द एप्लीकेशन और सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कौन बंदा कितनी बार उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या फेलियर रिपोर्ट या जो भी ऑडिट है उससे रिलेटेड अपन को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो इसमें सिक्योरिटी एज ए सर्विस में देंगे वो है डेटा लॉस प्रिवेंशन। अपन को डेटा लॉस प्रिवेंशन भी देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्वर पे डेटा लॉस्ट हो गया या डेटा लॉस्ट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, ये चीज़ें भी अपन को गौर करनी पड़ेंगी। ठीक है, अपन दो तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। एक है कि अगर मेरे पास कोई थ्रेट है, अगर आ गया मैं उसको पहले डिटेक्ट करूं कि अगर ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको रोक रहा है, या अगर दिक्कत कर रहा है तो ऑब्वियसली अपन उस टाइम चेक करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे उसके बाद उसको अवॉइड करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ उस पर काम करेंगे। एक ये रहता है कि मैं क्या करूं कि उस ऑलरेडी जो प्रोसेस है, अगर मान के चलिए कि मुझे उसमें सिक्योरिटी लगानी है तो मैं उसको कोई ऐसी मैकेनिज्म या ऐसी कोई एक्टिविटी या इस तरीके का कोई एप्लीकेशन या टूल लगा दूं जिससे वो डेटा लॉस्ट ना होने पाए। तो मैं स्टार्टिंग में ही मैं जो
अप्रोच कर यूज़ करूँगा डेटा लॉस ना होने पाए उसके लिए, वो करूँगा डेटा लॉस प्रिवेंशन, यानी कि स्टार्टिंग में ही उसे मैं रोकने की कोशिश करूँगा। बेसिकली इसमें अपन देखेंगे डेटा लॉस जो प्रिवेंशन है उसमें देखेंगे इज़ द मॉनिटरिंग, ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे अपन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं, वेरीफाइंग द सिक्योरिटी ऑफ डेटा एट रेस्ट। बेसिकली तीन चीज़ों पर अपन गौर कर रहे हैं यहाँ पर। पहला है रेस्ट, कि मेरे पास डेटा सर्वर पर पड़ा हुआ है, इन मोशन है, अगर डेटा क्लाइंट टू सर्वर मूव कर रहा है, एंड इन यूज, अगर मैं डेटा पर कोई भी जैसे वेब एप्लीकेशन अगर मैं चला रहा हूँ, मैं सपोज फेसबुक चला रहा हूँ उस पर, ठीक है। तो अपन जो अप्रोच है, अपन के पास तीन अप्रोच हैं, ठीक है, जैसे मॉनिटरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड वेरीफाइंग करना उस डेटा को। अब डेटा पे भी किस तरह के डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे एक डेटा मेरे पास रेस्ट में, मतलब स्टैटिक मोशन में, स्टैटिक पोजीशन में, उसके बाद है दूसरा मोशन में यानी डायनेमिक पोजीशन में, डायनेमिक चीज मोशन में, ठीक है। तीसरा है मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, वो ट्रेवल नहीं कर रहा है डेटा, लेकिन मैं उसको अपने सिस्टम पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ों को अपन यहाँ पर प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट है वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी यानी कि वेब सिक्योरिटी भी रियल टाइम प्रोटेक्शन होता है, बेसिकली जो अपन प्रीमाइसिस, ऑन प्रीमाइसिस, ऑफ प्रीमाइसिस पे अलाउ करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस, ठीक है, थ्रू एप्लीकेशंस या इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद मैं उनको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है, और बाय द क्लाउड प्रोवाइडिंग बाय द प्रॉक्सी अगर मैं यूज़ कर लूँ कोई, आप लोग देखे भी होंगे अगर सिस्टम में आप देखते हैं तो IPv4 या IPv6 जिस भी तरह के सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है आपका, तो वहाँ पे प्रॉक्सी एक यूज़ करी जाती है, DNS यूज़ कराता है, प्रॉक्सी यूज़ करी जाती है। बेसिकली जो यहाँ पे मैं वेब सिक्योरिटी यानी कि उनको कोई थ्रेट्स वगैरह ना आने पाए या इन चीज़ों को रोकने के लिए, जैसे फायरवॉल है, ठीक है, इन चीज़ों को रोकने के लिए कि डेटा अपन का किस तरीके से कोई वहाँ पे उसको अनऑथराइज एक्सेस न करने पाए, ठीक है, या रीडायरेक्टिंग वेब ट्रैफिक टू द क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है, मैं क्या कर दूँ, रीडायरेक्ट कर दूँ उसके लिए कि अगर कोई भी सिस्टम में अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है उसको या घुसना चाह रहा है, तो मैं उसको क्या करूँ, रीडायरेक्ट कर दूँ टू द क्लाउड प्रोवाइडर, जिससे कि अपन वहाँ पर बच जाएँ, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स एन एडेड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑन टॉप ऑफ थिंग्स लाइक AV टू प्रिवेंट मेलवेयर फ्रॉम एंटरिंग द एंटरप्राइजेज बाय एक्टिविटीज सच एज वेब ब्राउजिंग, ठीक है, पॉलिसीज रूल्स अराउंड द टाइप्स ऑफ वेब एक्सेस एंड द टाइम दिस इज एक्सेप्टेबल ऑल्सो कैन बी इन्फोर्स बाय दिस वेब सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज। कहने का मतलब ये था कि जो अभी तक अपन ने चार जो सर्विसेज देखी, पहली अपन ने देखी आइडेंटिटी, एंड मैं एक आइडेंटिफाई करूँ उसको, किस कैसे एक आइडेंटिटी दूँ, एक्सेस दूँ मैं उसको पर्टिकुलर, कि कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरा अपन ने देखा डेटा लॉस प्रिवेंशन, कि मैं उसको मॉनिटरिंग करूँ, प्रोटेक्टिंग करूँ, वेरीफाइंग करूँ, जो भी स्टैटिक मोशन में मेरा डेटा है या फिर डायनेमिक मोशन में मेरा डेटा है, ठीक है। उसके बाद है वेब सिक्योरिटी, मैं कहीं ना कहीं उसको डिसअलाउ करूं, ठीक है, जो भी थ्रेट्स हैं उसको डिसअलाउ करूं। चौथा अपन ने देखा ईमेल सिक्योरिटी, ठीक है, तो नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू।